अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये गाड़ी का क्या फॉल्ट है देखिए, जब भी एक्सीलेटर को दबा रहा है तो खट खट करके नीचे से आवाज़ आ रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए तो पता चलेगा आपको। तो इस वीडियो में ये किस कारण हो रहा है और इसको किस तरह से हम रिपेयर करते हैं वो दिखाएंगे। आप पीछे ले जाओ, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आवाज़ आ रहा है, जब भी एक्सीलेटर को दबा रहा है तो इस तरह से आवाज़ आ रहा है, और गाड़ी को जब भी बैक में ले जा रहा है, कभी रास्ते में टर्निंग हो उस टाइम तो और भी ज़्यादा हो रहा है आवाज़। तो देखिए इसका जो चक्का है वो भी जाम है थोड़ा। तो गाड़ी वाला पहले बता रहा था कि हो सकता है इसका बियरिंग टूट गया है, तो यहाँ पे खोल के देखा तो देखिए इस तरह का जाम है। अगर बियरिंग टूट जाता तो चक्का उठाने के बाद इस तरह से जाम नहीं होता। तो ये बियरिंग टूटने वाला बोले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इस तरफ तो देख लिया, देखिए चक्का घुमा रहा हो तो अटक जा रहा है चक्का, तो इस तरफ का निकाल के मैं उस तरफ भी एक बार देख लेता हूँ कि दोनों तरफ सेम है या उस तरफ लूज है। अगर ये तरफ जो इस तरफ लूज रहेगा तो उस तरफ का आपका एक्सेल का प्रॉब्लम हो सकता है या तो कोई ब्रेक का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन देखिए इस तरफ भी टाइट है। तो ये हमारा जो एक्सेल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि ये पिनियम या तो मोटर का प्रॉब्लम होगा, मोटर का जो शाफ्ट वगैरह है या तो मोटर शॉर्ट हो जाने से होता है ऐसा, तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए कितना जाम लग रहा है यहाँ पे, घुमा नहीं पा रहा हूँ हाथ से, थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ रहा है तभी घूम रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं मोटर को खोल के देखता हूँ एक बार कि मोटर फ्री है क्या, अगर मोटर का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो खोलने के बाद ही पता चल जाएगा। तो इसको सबसे पहले मैं गाड़ी से निकाल के एक बार चेक करके देख लेता हूँ। तो देखिए हाथ से घुमा रहा हो तो ये तो ईजी घूम रहा है एकदम, तो मुझे लगता है इसका मोटर का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना इजीली घूम रहा है ये, तो एक बार चला के भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिए इसको चला के आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए आप लोग देख सकते हो कितना इजीली घूम रहा है ये, और घूमने के में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका मोटर एकदम ओके है। तो हो सकता है इसका पिनियम में कुछ हुआ होगा, इसका पिनियम खराब हो गया होगा, और ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादातर पिनियम खराब होने की वजह से ही होता है। तो चलिए हम गियर बॉक्स को खोलेंगे, खोल के इसका जो पिनियम है उसको निकाल के देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो देखिए अभी भी टाइट है ये, हालांकि इसका जो मोटर है वो निकाल लिया, फिर भी इसका जो देखिए एक तरफ का ड्रम बहुत टाइट है। तो इसको खोल के ही हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ का फॉल्ट है। ये 100% तो मुझे लगता है कि पिनियम का ही प्रॉब्लम होगा। तो आप लोगों को खोल के भी दिखाते हैं और इसको किस तरह से हम रिपेयर करते हैं वो भी आप लोग को दिख जाएगा फिर। तो चलिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए अगर एक एक करके ड्रम वगैरह सब कुछ खोलने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, इसके वजह से मैं इसी तरह से खोल लेता हूँ इसको। इसको अक्खा ही एक साइड से खोल के निकाल लेता हूँ और जो गियर बॉक्स है उसको बीच में से निकाल के फिर इसका काम करता हूँ। तो चलिए देखिए अभी थोड़ा ये फ्री है क्योंकि उस तरफ जो एक्सेल है वो खोल दिया इसके वजह से, तो अब इसको निकाल लेता हूँ। देखिए तो इसका देखिए पिनियम वगैरह सब कुछ तो एकदम ओके दिख रहा है, ऊपर से देखिए एकदम ओके दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। ठीक है तो इसको एक बार हाथ से घुमा के देखता हूँ, तो देखिए ये बहुत टाइट है, तो इसका पिनियम ही ख़राब हो गया। ये तो 100% अभी बोले तो पता चल गया कि इसका पिनियम ही ख़राब है। तो देखिए एक्सेल में लगाने के बाद कितना टाइट हो रहा है ये, हालांकि ये एकदम फ्री घूमना चाहिए, बोले तो ज़रा सा भी जोर नहीं लगाना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए। देखिए हाथ से कितना टाइट घूम रहा है ये, बोले तो घूम ही नहीं रहा है, हाथ से इतना जोर लगा रहा है फिर भी। तो इसका पिनियम ख़राब है, अब इसको पिनियम को खोल के देखेंगे कि अंदर क्या चीज़ इसका ख़राब है। अगर कोई रिपेयरिंग करने वाला सिस्टम होगा तो इसको हम रिपेयर करके ही लगाएंगे, नया पिनियम नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि नया पिनियम लगाने का वीडियो तो बहुत सारा दिया हुआ है लेकिन रिपेयर का वीडियो एक भी नहीं दिया हुआ है। तो अगर हो सकता है तो इसको हम रिपेयर ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक नया वाला पिनियम भी है हमारे पास, तो इसको एक बार लगा के आप लोगों को घुमा के देख लेता हूँ। वो तो कितना टाइट था लेकिन ये देखिए एकदम ईजी घूम रहा है। ठीक है तो इस तरह से घूमना चाहिए, अगर पिनियम सही रहेगा तो इस तरह से ईजिली घूमना चाहिए, और जब ख़राब हो जाता है उसी टाइम उस तरह का टाइट हो जाता है फिर। ठीक है तो चलिए उसको खोल के हम रिपेयर करके आप लोग को दिखाते हैं, अगर रिपेयरिंग होने का है तो। ठीक है और अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो नया लगाना पड़ेगा। पहले खोल के हम देखते हैं उसके अंदर क्या क्या ख़राब हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम खोल ही लेते हैं इसको,
मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। और आप लोग अगर ई रिक्शा का काम सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल में तकरीबन 300 से ज़्यादा वीडियो दिया हुआ है ई रिक्शा के बारे में। ऐसा कोई वीडियो नहीं है जो मेरे चैनल में नहीं है, आप जाके पूरा ई रिक्शा का काम सीख सकते हो। तो देखिए यहाँ से हल्का सा चोट मारना है ताकि ये निकल जाए, इसको हल्का हल्का चोट मार के निकालना है। तो देखिए ये एकदम जाम हो गया, देखिए ये निकल ही नहीं रहा है। हालांकि इसको हाथ से खींचने से निकल जाता, लेकिन अभी देखिए ये निकल ही नहीं रहा है पूरा। इसका जो स्टार पिनियम वगैरह है वो एकदम ख़राब हो गया, पूरा घिस गया है, तो वो निकल भी नहीं रहा है देखिए। तो उसको निकाल के देखता हूँ कि अंदर और कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये तो चलेगा नहीं लगता है, इसमें जो स्टार पिनियम वगैरह वो सब नया लगाना पड़ेगा। तो पहले खोल के देखता हूँ, तो देखिए इसमें से भी मार रहा हूँ तभी भी नहीं निकल रहा है। तो इसमें एक्सेल डाल के मैं हथौड़े से मार के निकालना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ये चिपक गया है एकदम पूरा। तो चलिए अब हथौड़े से मार के निकाल लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो देखिए ये निकल गया, ठीक है। तो देखिए इसका जो वॉशर वगैरह है वो भी घिस गया है पूरा, इसका वॉशर भी नहीं है। और देखिए ये कितना टाइट हो गया, और इसका जो दांता है वो भी ख़राब हो गया है एकदम। तो चलिए इसको सबसे पहले सफाई कर लेते हैं, इसको पूरा सफाई करने के बाद फिर फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। और इसमें जो स्टार पिनियम वगैरह सब कुछ है वो सब हम चेंज कर देंगे, नया लगाएंगे। सिर्फ ये जो पिनियम है इसका बॉडी रहेगा, बाकी सब कुछ चेंज कर देंगे इसके अंदर वाला चीज़, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये सब पूरा घिस गया है, आप देख सकते हो सब घिस गया है। तो इसको पहले सफाई करेंगे क्रोसिन से, अच्छी तरह से सफाई करने के बाद ही फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो देखिए इसको सफाई कर लिया, अब इसकी जगह देखिए नया हमारे पास है स्टार पिनियम वगैरह सब, उसको हम लगाने वाले हैं अभी। और इसके साथ एक वॉशर आता है देखना, इस वॉशर देना ज़रूरी है, अगर वॉशर नहीं दोगे तो जो पिनियम है वो घिस घिस के ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो यहाँ पे एक वॉशर लगा हुआ रहता है, हम सबसे पहले इसमें ग्रीस डालेंगे, ग्रीस डालने के बाद वॉशर डाल के फिर उसके ऊपर ग्रीस डाल के फिर जो हमारा स्टार पिनियम वगैरह है उसको डालेंगे फिर। तो देखिए इसको बिठा दिया यहाँ पे, दोनों साइड में इस तरह का वॉशर रहेगा, इसमें बहुत सारा ग्रीस भरा हुआ रहता है। जैसे कि आप नया अगर कभी पिनियम लेके आते हो तो देखोगे कि इसमें फुल बोले तो ग्रीस से भरा हुआ रहता है, इसमें जितना भी ग्रीस रहेगा अच्छा रहेगा उतना। तो इसलिए मैं भी इसमें ग्रीस डाल देता हूँ। तो देखिए ये भी मैं नया लगाने वाला हूँ, क्योंकि उसका सब कुछ ख़राब हो गया था, उसमें कुछ भी सही नहीं था अंदर वाला चीज़। तो इसमें सब कुछ मैं नया लगाऊंगा अभी। आप चाहे तो इस पिनियम को चेंज करके भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे चैनल में इसको रिपेयरिंग का वीडियो एक भी नहीं दिया हुआ है, इसके वजह से मैं एक बना रहा हूँ अभी। मैं भी ज़्यादातर नया ही लगा देता हूँ, लेकिन ये रिपेयर हो जाता है, इसके वजह से मैं इसको रिपेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं ग्रीस डाल दिया, अब ऊपर का जो स्टार पिनियम है उसको इसके ऊपर चढ़ाना है। तो चलिए अब इसके ऊपर चढ़ाना है, इसको मैं चेंज कर दिया, वो पुराना वाला है। तो चलिए इसको अब लगा देते हैं। देखिए आप चाहे तो इस तरफ भी लगा सकते हो, या तो जो पिनियम के बॉडी है उस पर भी लगा के लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी लगा सकते हो, या तो आप घुमा के भी लगा सकते हो। तो इसमें भी थोड़ा सा ग्रीस डाल देता हूँ, पहले इसमें वॉशर दे दिया और इसमें से ग्रीस डाल के फिर लगाना है हमको। तो देखिए आप किसी भी तरह से इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये गिर गया, तो मैं इसी में लगा देता हूँ, आप कैसे भी लगा सकते हो। मैं पहले ही बोला कि इसमें भी लगा के लगा सकते हो, या तो उसके ऊपर चढ़ा के भी लगा सकते हो, सिर्फ फिटिंग होना चाहिए बस, अच्छे से फिटिंग होके ये फ्री घूमना चाहिए। अगर जाम होगा तो बोले तो जल्दी ख़राब हो जाएगा फिर। और इसमें एक चीज़ देखने वाला चीज़ है, वो होल जो है इसमें जो नट बोल्ट को टाइट करने वाला, उसको देख लेना है, क्योंकि दोनों साइड से इसमें जो नट है वो लगता है और जो इसका थ्रेड है वो एक तरफ रहता है, तो इसके वजह से वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए ये अभी फ्री है, इसमें अभी नट कसना बाकी है, इसको पहले सफाई कर लेता हूँ उसके बाद इसमें नट कसेंगे, और एक बार घुमा के भी पहले देखेंगे कि फ्री है क्या एक्सेल में लगा के, फिर हम इसको फिटिंग करेंगे गाड़ी में सब कुछ चेकिंग के बाद। तो चलिए एक बार एक्सेल को लगा के देख लेता हूँ। तो देखिए इजी घूम रहा है अभी, तो इसको आप जो नट है उसको टाइट करके फिर फिटिंग करेंगे।
और इस तरह का वीडियो मेरे चैनल में अपलोड होता ही रहता है। और मैं पहले ही बोला कि तकरीबन 300 से भी ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल में है। आपको अगर ई रिक्शा का काम सीखना है तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल से अगर पूरा वीडियो देख लिए तो आपको कोई भी मैकेनिक के पास जाके काम सीखने की ज़रूरत नहीं होगा। और आप लोगों का अगर एक्सेलेटर, मोटर कंट्रोलर, सेंसर, मोटर शॉट, वोल्टेज सब कुछ चेक हो जाता है जिसमें, ऑल इन वन डिवाइस, वो अगर चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ऊपर दिए गए नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है, उस पर आपको कांटेक्ट करना है और उस पर आपका फुल एड्रेस उसी व्हाट्सएप पे देना है। उसी नंबर पे मेरा फ़ोन पे, गूगल पे है, उस पर आपको पैसे पे करना है। तो सामान अगर चाहिए तो आपको ये प्रोसेस करने के बाद मैं सामान को बाय पोस्ट या DTDC कोरियर के जरिए आप तक पहुँचा देंगे। अगर आप लोगों को चाहिए सामान तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। ऑल इंडिया का कहीं पे भी मैं सामान पहुंचा सकता हूं, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए यहां पे मैं क्या क्या चेंज किया और ये अभी इजी घूम रहा है। और एक बात, जो लोग नया नया दुकान खुल रहा है वो लोग के लिए ड्रम पुलर, एक्सेल पुलर, बियरिंग पुलर ये सब मेरे पास अवेलेबल है, अगर चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके वो भी ले सकते हो। डिवाइस पुलर ये सब मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, तो अगर ये सब चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करके आप लोग ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं ग्रीस डाल दे रहा हूँ थोड़ा, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। और आप लोग देखे होंगे कि नया पिनियम में हमेशा ग्रीस रहता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए इसको मैं अभी फिटिंग कर लिया, और किसको किस तरह से फिटिंग कर रहा है वो भी आप देख लीजिए थोड़ा, ताकि आप लोगों को भी बाद में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैं जो पिनियम है उसको बिठा लिया, अब डबल गियर को बिठाने वाला हूँ। और डबल गियर में एक चीज़ देखने वाला चीज़ है, उसका वाशर, ठीक है। तो उस वाशर को कहाँ पे लगाता हूँ वो भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए इसका जो वाशर है वो डबल गियर के जो छोटा वाला गियर है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। डबल वाला गियर के जो छोटा गियर है उसके ऊपर उसको देना है, ताकि थोड़ा सा डबल गियर को ऊपर की तरफ रखे और जो पिनियम है उसमें टच ना हो। अगर टच होगा तो साउंड ज़्यादा आएगा, ठीक है। वो वाशर इसलिए देता है कि साउंड ज़्यादा ना आए, इसके वजह से। अगर वाशर नहीं दोगे तो साउंड बहुत ज़्यादा आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हमको थोड़ा रिस्पॉन्ड जो आटा आता है उसको लगाना है, क्योंकि इसमें तो गैसकेट लगा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा अगर ये सॉल्यूशन डाल देंगे तो ये गैसकेट की तरह ही काम करेगा और इसमें से ऑयल निकलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा रिस्पॉन्ड आटा डाल दे रहा हूँ। तो इसको फिटिंग करने के बाद, गाड़ी में लगाने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे फिर, क्योंकि इस पर भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल में गियर बॉक्स के बारे में। सिर्फ ये वीडियो बनाया ताकि पिनियम के अंदर क्या क्या रहता है और उसको किस तरह से आप रिपेयर कर सकते हो उसको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया खास करके। बाकी और भी बहुत तरह का डिफेंस का काम मेरे चैनल में मिल जाएगा आप लोगों को, अगर वो सब पूरे वीडियो देख लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा कोई भी काम करने में। तो देखिए यहाँ पे तो मैं रिस्पॉन्ड आटा मार लिया, अब दूसरे में भी थोड़ा लगा लेना है। तो देखिए दोनों में लगा लिया, इसमें कुछ काम नहीं है, आप सिंपल इसको थोड़ा बैठा देना है बस। फिर आप लोगों को मैं चालू करके भी दिखाएंगे गाड़ी में लगा के, कि वो साउंड फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका जो पिनियम ख़राब था उसके वजह से वो वाला साउंड आ रहा था, तो अभी तो आना नहीं चाहिए साउंड। तो चलिए पहले फिटिंग करके देखते हैं, फिर आप लोगों को देखिए। अभी एक तरफ का एक्सेल लगा हुआ है बोल के इसे घूम रहा है, तो लगाने के बाद भी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं पिनियम को डायरेक्ट घुमा के भी दिखाया कि कितना इजी घूम रहा है ये। तो चलिए आप फिटिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर पिनियम के इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप किस तरह से उसको सही करोगे। तो मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा कॉल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए गाड़ी को चला के भी दिखा देते आप लोगों को एक बार, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो वाला साउंड अभी भी है कि नहीं है। तो देखिए अब साउंड आप लोगों को दिख रहा होगा, साउंड भी स्मूथ हो गया इसका, और जो खट खट करके आवाज़ आ रहा था वो भी अभी नहीं है, क्योंकि इसका पिनियम का ही प्रॉब्लम था, इसकी वजह से वो वाला साउंड आ रहा था इसमें से। अब देखिए ज़रा सा भी वो वाला साउंड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इसी तरह से इसको सही कर सकते हो,
थैंक्स फॉर वॉच।